संघर्ष हमेशा रहता है, वो चाहे कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, चाहे हिरण हो चाहे शेर हो। एक सुबह हिरण जंगल में उठता है, वो इसलिए तेज दौड़ता है, उसको पता कि मैं तेज नहीं दौड़ूंगा तो मुझे शेर खा जाएगा। एक शेर सुबह उठता है इसलिए तेज दौड़ता है कि आज मैं तेज नहीं दौड़ूंगा तो मेरे शिकार हाथ नहीं आएगा। दौड़ना हिरण को पड़ता है जान बचाने के लिए, शेर को दौड़ना पड़ता है शिकार पाने के लिए। तो दोस्तों चाहे नंबर 300 का बच्चा हो चाहे नंबर 660 का बच्चा हो, दौड़ना पड़ेगा। 660 700 पे दौड़ रहा है, 300 500 65 दौड़ रहा है, इसलिए 22 साल हो जाए आखिरी सांस तक दौड़ना ऐसे पड़ेगा। ये प्रताप और अकबर की कहानियां ता जिंदगी में गाने पड़ेंगी हर साल, क्योंकि लोग बदलते हैं, बच्चे बदलते हैं, टारगेट नहीं बदलते हैं, नीट नहीं बदलती है, चेहरे बदलते हैं, हम नहीं बदलते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर का बड़ा अच्छा किस्सा है। लोग कहते हैं कि जब प्रताप, और बिल्कुल आपको पता होगा उस समय जितने राजा थे उन सब ने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली थी, एक महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। इससे दोस्तों आप उन सब राजाओं का नाम भूल गए, पर महाराणा प्रताप आज भी सबको याद है। उस समय उन लोगों ने अपनी विलासिता के लिए, अपने विलासिता के लिए बहुत से लोगों ने तो अकबर को अपने बहनों की शादियां की थी, हिस्ट्री का पढ़ना बात नहीं कर रहा, उसमें शादियां कर दी थी अपनी बहनों की, केवल अपना राज बचाने के लिए। प्रताप कुछ नहीं भैया, दोस्तों आप कल्पना करो, मखमल के बिस्तर पे सोने वाला व्यक्ति, चांदी के बर्तन में खाना वाला व्यक्ति, जंगल में घास फूस खाए, कितना बड़ा त्याग हो सकता है यार। तो डियर जब वो जंगल जाते हैं, उनका बेटा अमर सिंह जब कहते हैं कि रोटी के लिए तरसता है, और वो उसके पिता उसके लिए रोटी भी घास फूस की बनाते हैं, वो कौन सा बेटा जो चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाना व्यक्ति घास फूस की रोटी खाने लगता है। तब एक बन का बिलाव जो होता है वो छीन लेता है, बेटा रोता है, तो पिता की फिर क्या हो सकती है। अमर सिंह और प्रताप समझते, सुन लेना इसको, सामने बैठा अमर सिंह है, सामने पिता की तरह प्रताप खड़े, मानकर माफी चाहता हूं मेरी औकात नहीं उस नाम से कंपेयर करूं, मेरा पिता पुत्र का अर्थ समझ लेना कि पिता कब टूटता है। हरे खासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हरे खासरी रोटी ही हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने पण आज बिलख तो देखूं हूं, जद राज कंवर ने रोटी ने भूलू क्षत्रिय धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। वो कहता है मैं लड़ो गणो मैं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाच नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने तो आज बिलख तो देखू हूं, इज राज कंवर ने रोटी ने भूलू हिंदू धर्म ने भूलू क्षत्रिय पाणी ने। फिर सब कुछ भूल जाता आदमी। सेम दर्द दोस्तों हमारा भी कहीं होता है, जिस तरह दर्द होता है। तो फिर अकबर कहता है, राणा कहता है, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बावण ने जद आज बिलख तो देखूं, जद राज कंवर ने रोटी ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। आसोच हुई दो टूक तड़क, आसोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोलो, हूं लिखसू अकबर ने पाती। फिर टूटता व्यक्ति, उसने कहा मैं टूट गया, मैं अकबर की गुलामी स्वीकार करता हूं, पत्र लिखता हूं। आसोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोलो, हूं लिखसू अकबर ने पाती। मैं उनसे कह रहा हूं कई बार नंबर कमाने के बाद आप रोते हो मेरे पास आते हो ना दोस्तों, बहुत हद तक मेरा मूड भी ऐसा होता है। जब राणा का पत्र अकबर के पास जाता है, आसोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोलो, हूं लिखसू अकबर ने पाती। जद राणा रा संदेश गया, अकबर रो सपनो सो साचो। अकबर के पास जैसे पत्र गया उसका सपना यही था,
जो अकबर के राणा के अलावा सब उसके गुलाम हो गए थे। जद राणा रो संदेश गयो अकबर रो सपनो सो साचो पर नैन करया विश्वास नहीं जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। राणा का हाथ से लिखा हुआ पत्र अकबर के पास चला गया था, फिर भी अकबर को यकीन नहीं हुआ था कि पत्र राणा का है क्या। जद राणा रो संदेश गयो अकबर रो सपनो सो साचो पर नैन करया विश्वास नहीं फिर बाँच बाँच ने फिर बाँचो। जैसे राणा का पत्र जाता अकबर में, राणा के अकबर के दरबार में एक बीकानेर की पिथलजीराम राजपूत हुआ करते थे, वो मूछ ऊपर रखते थे। अकबर कहता है पिथल अब मूछ किस बात के ऊपर रखता है, तो पिथल जी कहते हैं जब तक वो एक शेर तेरी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा तब तक मूछ रखेंगे, जिस दिन वो शेर तेरी गुलामी स्वीकार कर लेगा उस दिन मुंडवा लेंगे। तो राणा जैसे राणा का पत्र अकबर के पास गया, अकबर को लगा कि अब पिथल की इंसल्ट की जाए। वैसे ही जैसे बहुत से बच्चों के माँ बाप अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्च करके तुम्हें भेजते हैं सेकेंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप, और तुम्हारे गांव के लोग उनकी वही बेइज्जती करते हैं जो अकबर ने पीथल की और तुम नहीं पढ़ते हो, तो टूटते हैं रोते हैं लेकिन छुपके रोते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कंधा नहीं होता है जहां अपने आंसू दिखा सके किसी को। जद राणा रा संदेश गयो अकबर रो सपनो सो साचो पर नैन करा विश्वास नहीं जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। बस दूत इशारा पा भाग्या पुरपुर मारवाड़ी भाई, बस दूत इशारा पा भाग्या पीथल ने तुरंत बुलावण ने किरणारो पीथल आपू गयो अकबर रो भरम मिटावण ने। पिथल को जैसे उसके संतरे के लेके आए पिथल जी को, पिथल तुरंत आए अकबर का भ्रम मिटाने के लिए। बस दूत इशारा पा भाग्या पिथल ने तुरंत बुलावण ने किरणा रो पिथल आप उग्यो अकबर रो भ्रम मिटावण ने। और थोड़ा सा एटीट्यूड से कहता अकबर मेह बांध लियो है पीथल सुन। शायद इससे बड़ी इंसल्ट नहीं होती है। मुझे आज भी याद उमाशंकर यादव जब चौथी साल उसका सिलेक्शन हुआ तो रोया मेरे चैंबर में एक ही बात को लेके कि वो साल 3 साल के बाद दिन की बस में गांव जा रहा हूं। दिन की बस में इसलिए गांव जाता था ग्वाड़ के गांव के चौपाल बैठे कुछ आवारा छोरे कहते थे आओ डॉक्टर साहब, आज सेलेक्ट होकर दिन की बस में गया तो किसी ने कहा आओ डॉक्टर साहब दुनिया दोस्तों केवल जख्म नमक छिड़कती है। एक शेर कहता हूं कि मत दिखाओ जख्म दिल के दुनिया को हर आदमी अथेली पे नमक लिए खड़ा है। अपने जज्बात अंदर पालो या अपनों के साथ शेयर करो और जिंदगी में गुरु मंत्र ले लो। उस व्यक्ति की कोई बात मत मानो जिसका आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, जिसका आपकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिनका इंपॉर्टेंस है उनके हर वो बात मानो जो आपके अपने होते हैं। तो अकबर हगड़ी से कहता पीथल को मेह बांध लियो है पीथल सुन पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। शेर तो जंगल का होता है भाई, सर्कस में कहेंगे शेर। मेह बांध लियो है पीथल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़ अब और बता अब और कठ है रजपूती खून रगा में है। साफ चैलेंज दिया उसने, अब बता किसी राजपूत को तो राज करते थे। मैं बांध लियो है पीथल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़ अब और बता अब और कठ है रजपूती खून रगा में है। कहां कोई राजपूत का खून बचा है जो रगों में दौड़ रहा है, उस समय के राजा जो होते थे। और हकड़ी में फिर से कहता है हूं आज बादशाह धरती को मेवाड़ी पाग पघा में है अब और बता अब और कट है रजपूती खून रगा में है। पीथल को लगा गड़बड़ तो हो गई कि जब प्रताप के राजपत्र की मोहर पे लेटर था राणा रा आखर पड़ता ही। दोस्तों जैसे पत्र जाता है राणा का राणा रो संदेश गयो अकबर रो सपनो सो साचो पर नैन करया विश्वास नहीं जद बाँच बात ने फिर बाँचो। बस दूत इशारा पा भाग्या पीथल ने तुरंत बुलावण ने किरणा रो पीथल आ गयो अकबर रो भ्रम मिटावण ने। और बहुत अकड़ी से उसने कहा मे बांध लियो है पीथल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़ ओ देख हाथ रो कागज है तू देख यहां फिर सी की आकड़ तो तेरी मुछे ऊपर है ना खत्म कर ले। मेह बांध लियो है पीथल सुन पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़
ओ देख हाथ रो कागज है, अब देखा फिर सी किया अकड़। ये वही लोग हैं जो आपके पेरेंट्स पे कमेंट मारते हैं, हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पखा में है, अब और बता मन और कट है, रजपूती खून रगा में है। पितर लेटर देखते हैं, पत्र देखते हैं। दोस्तों जैसे अक्सर पढ़े राणा के, पितर जी घबरा गए, लेकिन संभल के एक्टिव थे, तुरंत अपने आप को संभाला। राणा रा आखर पढ़ता ही पीथर ली आख्या गीली, नीचे से धरती खिसक गई, आख्या में भर आयो पानी। जैसे वो पत्र पढ़ा संभले, फिर तत्काल संभले, पीथल जी तुरंत संभले, फिर तत्काल संभले पीथल, आप बात सपाही झूठी है, पीतल ऐसा कुछ नहीं है, फिर तत्काल संभल पीथल बोले, आप बात सपाई झूठी है, राणारी आन सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं, नहीं यार हम जैसे लोग आपके मिलते पिता से, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा सिलेक्शन निकाले घबराए नहीं आप, ऐसे भी लोग मिल जाते होंगे। फिर दोस्तों पीथल जी कहते हैं अकबर से, क्योंकि दरबार नौकरी करते थे, जो हुक्म हो ये तो लिख भेजू, राणा ने कागज रे खातिर। पितर कहते हैं आपकी इजाजत हो तो राणा से पूछू लेटर के बारे में, जो हुक्म हो ये तो लिख भेजू, राणा ने कागज रे खातिर। अकबर कहते हैं तू पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलो अकबर, पूछ ले क्या फर्क पड़ता है। अब इस कविता की सही कहानी स्टार्ट होती है कि क्या होता मोटिवेशन, यदि पीथल ना होते तो राणा महाराणा नहीं होते, वो अकबर का गुलाम हो जाते। फिर दो लाइनें लिख के भेजी पीथल जी ने, जिसने राणा को महाराणा प्रताप बनाया। वो दो लाइन आपसे भी कह रहा हूं, आप एक सामान्य से परिवार से वीआईपी बन जाएं। क्या कहा पीथल जी ने राणा से, मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ला सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओट्या खो लो। पीथल ने कहा राणा से लिख के कि हमने सुना कि एक शेर कुत्तों के साथ सोएगा, मैं आज सुनी है सिंह डल्लो, दातर ला के सागे कितर के साथ सोएगा, कुत्तों के साथ सोएगा, मैं आज सुनी है सूरज डो, बादल री ओटा खोवे लो। दोस्तों ये दो लाइनें जो बस वो कहने के लिए, ताकि 6 मई को हम लोग इसका चैलेंज दे सकें, मैं आज सुनी है सिंह डल्लो, दातर ला सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है बादल लो सूरज री ओटा खोवे लो। हमने सुना है कि एक बादल का टुकड़ा ढकेगा सूरज को, हमने सुना है कि एक शेर स्वयं किधर के साथ। जैसे पत्र राणा के पास पहुंचता है, पीथल रा आखर पढ़ता ही, यहां तुम्हारी मुठ्ठिया बंद हो जाए कि 6 मई को पापा के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है बॉस के सीएलसी के लिए। लोग देते होंगे चैलेंज, आप नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे। वो क्या है 700 नंबर, वो क्या है हिंदुस्तान की सब टॉप रैंक से कब्जा, वो क्या है सबका सुपड़ा, सबसे आगे हम। पीथल रा आखर पढ़ता ही, राणारी आख्या लाल हुई, धिक्कार है मने मैं कायर हूं, ना हररी एक ललकार। जागो अपने अंदर से, किसकी औकात है जो मेरे बच्चों के देते 600 मार्क्स नहीं आ सकते, किसकी औकात जो कहते हम हिंदुस्तान टॉप नहीं कर सकते। पीथल रा आखर पढ़ता ही, राणारी आख्या लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूं, ना हररी एक ललकार हुई, हूं भूख मरू हूं प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं भूख मरू हूं प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ा मैं भटकू, बट मन में मारी याद रहे, हूं भूख मरू हूं प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे। दोस्तों ये आग अंदर होनी चाहिए। और फिर वापस पत्र लिखते हैं, फिर सुनो पीथल का पत्र जाता है, पीथल रा आखर पढ़ता ही, राणारी आंखें लाल हुई, धिक्कार मने में, आपको कोई कह दे तो 600 मार्क्स या टॉप नहीं कर सकता, और तेरे रात को नींद आ जाए, माफी चाहता हूं, तू तो केवल इस भारत की जनसंख्या का हिस्सा है, इसके अलावा तेरा कोई वजूद नहीं है, कोई तो चैलेंज कर दे उसके बाद तेरे रोंगटे खड़े ना हो तो कोई फर्क नहीं इंसान पसंद। फिर हम 24 दिन तप नहीं सकते उस बाप के लिए जो खेत में काम करता हमारे लिए,
जो कहीं फौज में काम करता है, जो सामान्य से नौकरी करता कहीं, मुझे पता है मेरे सामने बैठे हुए हर व्यक्ति के घर में बहुत ईमानदारी से पैसा आता है। तो दो पांच लोग ऐसे होंगे बेटा जी हम में से जिनके अच्छी इनकम सोर्स होगा, बाकी हम सब मिडिल क्लास लोग हैं यहां पर। तो अकबर राणा वापस लिखते हैं पितल को, क्या लिखा पितल ने, मैं आज सुनी है सिंह हट दो कातर ला के सागे सो वे लो, मैं आज सुनी है सूरज डो बादल री ओटा खो वे लो। क्या हमने सुना है एक शेर सोए किधर के साथ, हमने सुना है कि बादल का टुकड़ा ढकेगा सूरज को। तो वापस लिखते हैं राणा, नहीं चणी, ये जवाब है 6 मई किसान का, नहीं चणी रे कातड़ी कोख असी, नहीं चणी रे कातड़ी कोख असी, जो सिहरी था पी छे ले ली, नहीं पड़ो रे पातली रो टुकड़ो सूरज ने ओटा ले ले लो। राणा कहते किसी गादड़ी ने ऐसा शेर पैदा नहीं किया, ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो शेर का थप्पड़ झेल जाए। कोई बादल का टुकड़ा इतनी औकात नहीं है कि सूरज को ढकले। ये आपको कहना है 6 मई की शाम को, नहीं जड़ी रे गादड़ी को कासी जो सिहरी था पी झेले ली, नहीं पड़े रे बादड़ी रो टुकड़ो सूरज री ओटा खो लो। मैं भूख मरूं मैं प्यास मरूं, मैं वाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं बट मन में मारी याद रहे। जैसे पत्र वापस जाता है, राणा रा आखर पढ़ता ही पीथल री छाती दूनी ही, यह पत्र गया। और यही वो पत्र था दोस्तों जिसने राणा को महाराणा बनाया। आपको ये आज की सेमिनार बहुत कुछ कर सकती है। जिस भाव से मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ उसी भाव से बैठे हैं। राणा रा आखर पढ़ता ही पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणी सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही। राणा रा आखर पढ़ता ही पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणी सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही। हरे घास री रोटी ही जत बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घासरी रोटी ही,